हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरी तरफ से वेरी हैप्पी नवरात्र। आज मैं शेयर करने वाली हूँ नवरात्र की स्पेशल डिश, जिसे हम फलाहार के रूप में ले सकते हैं और खाने में भी वो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हम बनाने वाले हैं आज सिंघाड़े के आटे की रोटी। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कटोरी के अराउंड सिंघाड़े का आटा। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। थोड़े से कोरिएंडर लीव्स, 1 टीस्पून के अराउंड सेंधा नमक और ये कुछ बॉयल्ड पोटैटोज़ हैं जो मैंने मैश कर लिए हैं। पोटैटोज़ में मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पत्ती, ये सेंधा नमक एज पर टेस्ट और ये सिंघाड़े का आटा। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करके एक कंप्लीट डो बना लूँगी और मैं इस पे पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। मैं इसमें आलू और आटे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि एक कम्प्लीटली बाइंड हो जाए और एक डो के फॉर्म में रेडी हो। और आप देख सकते हैं इस सारी प्रोसेस में मैंने पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है और अब हमारा आटा एकदम गूंद कर रेडी हो चुका है। मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा कर अच्छे से ग्रीसिंग कर लूँगी और इसे 5-10 मिनट्स के लिए रख दूँगी। मैं इसे बेलने के लिए बेलन का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिपकती है बेलन से बेलने पर। तो मैंने यहाँ पर लिया है छोटा सा डो और जेलेटिन शीट के ऊपर मैंने ये डो को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर कर रख लिया है और एक सेकंड फोल्ड दे रही हूँ मैं इस शीट को। और बस अब हाथों की हेल्प से मैं इसे हल्के हल्के हाथों से टैप करती जाऊँगी ताकि एक सर्कुलर फॉर्म में हमारी रोटी तैयार हो जाए। तो देखिए, अब हमने रोटी को अच्छे से बेल लिया है हाथों की हेल्प से। अब जो मैंने सेकंड फोल्ड दिया था पॉलीथीन का, वो मैं उसके ऊपर से हटाऊंगी और दूसरे हाथ में मैं ये रोटी को लेकर इसकी सेकंड साइड भी पॉलीथीन का हटा दूंगी। अब तवा गर्म कर लिया है और अब मैं ये रोटी सेकूंगी इसमें। और हमें ये एकदम स्लो फ्लेम में रोटी को सेकना है ताकि हमने जो उसमें आलू ऐड किया है वो स्लो फ्लेम में अच्छे से सेक जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ऑयल यूज़ किया है और बस अब हम इसे पराठे की तरह अच्छे से सेक लेंगे। मैंने इसे एकदम स्लो फ्लेम में सेका है तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है और सिंस इसमें आलू ऐड है तो ये काफ़ी क्रंची भी लगने वाला है। तो मैं इसे सर्व कर रही हूँ टमाटर और धनिया की चटनी के साथ। तो देखिए, एकदम डिलीशियस सिंघाड़े के आटे की रोटी और चटनी रेडी है। तो इस नवरात्र आप ज़रूर ये डिश बनाइए और ट्राई कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको ये नवरात्र स्पेशल डिश कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्णा।